साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज नए टॉपिक पे बात करेंगे अपन की मलेशिया से रिलेटेड। मलेशिया की एक अपडेट मैं देने वाला था, 3-4 दिन से मेरे पास अपडेट आ रही थी, लोग भी बता रहे थे। खास तौर से जो मलेशिया में बैठे हैं इलीगल वर्कर मान लीजिए या यहाँ जाके, वहाँ तो एक तो मलेशिया में एक पता है आपको पता है इलीगल वर्करों का मतलब निकालना छटनी एक तरह से एक सफाया हो रहा है। तो स्थिति वहाँ पे ये है कि कंपनियों में वर्कर नहीं मिल रहे हैं, कंपनियों को काम करने के लिए काम की कमी नहीं है लेकिन वर्करों की कमी है। क्योंकि जैसे आउटपास खुले पूरी दुनिया जिन कंट्रियों के लोग थे वापस चले आए। दूसरी बात, वहाँ की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि भाई वीजा में नहीं मिल रहे, बांग्लादेशियों को तो बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया। बांग्लादेशी तो वीजा जा ही नहीं सकते, मलेशिया के हालात हैं। एक फेल्टा कंपनी में जो है ना खेती बाड़ी वाले, उसमें भी उन्होंने बैन कर रखा है बिल्कुल भी तरीके से। इंडिया के कुछ लोग उसमें जा रहे हैं तो वो उसमें जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। मलेशिया में बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सर हमें वीजा लगवाना है। ठीक है, अब भैया वीजा लगवाने के लिए तो अब आपको पता है, अब मेरे से नंबर मांगते हैं भाई, मैं नंबर चलो नंबर दे देते हैं, फिर मुझे टॉर्चर करना सर इसने ये बोला वो नहीं बोला। तो भाई मैं तो नंबर होता है तो भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि नंबर देने का मतलब है कि पीछे पीछा करवा लेना, समझ गए। एक बार नंबर दे दिया फिर आपने नंबर दिया था सर ये किया था वो किया, तो भाई मैं तो इन चीजों से बचना चाहता हूँ, मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। एक तो आपकी हेल्प करो, ऊपर से आप ही फिर चढ़ जाते हो बिना जूते समेत, समझ गए बात को। तो जब आप बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि सर हमें वीजा लगवाना है, ये चेक कर दीजिए सर, ये एजेंट बोल रहा है वो एजेंट बोल रहा है, तो भैया ध्यान रखें। पिछले टाइम में मलेशिया में 500 से 600 कंपनियां ब्लैकलिस्ट हो चुकी हैं, ब्लैकलिस्ट गवर्नमेंट ने किया है उनको, समझ गए बात को। ब्लैकलिस्ट तब होता है तब उस कंपनियों में जो उनकी जांच के दौरान कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उनको कंपनी सरकार या इमिग्रेशन उनको ब्लैकलिस्ट कर देती है। तो एजेंट क्या करते हैं, उनके नाम से फिर पैसा उठा लेना, फिर उनका बोल देते हैं इस कंपनी का आपको वीजा लगवा दूंगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है उनके नाम से वीजा आपका जो वहां पे लगवाओगे ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि जैसे वो रिकॉर्ड में आएगा तो वो ब्लैकलिस्ट दिखा देगा तो उसमें आपका वीजा नहीं लगेगा। इन चीजों से थोड़ा बच लीजिए, क्योंकि वहाँ सिस्टम क्या है, एजेंटों को तो पैसा लेना है बेवकूफ बना के। तो भैया इन चीजों का ध्यान रखें, एजेंट को पहले पूछ लीजिए सर कौन सी कंपनी के नाम से वीजा लगवाओगे, तो उस कंपनी को आप नेट पे सर्च कर लीजिए, इमिग्रेशन पे सर्च कर लीजिए, वो काम आपका रहेगा आप किस तरह से सर्च करते हो, समझ गए बात को। तो सर्च करके वो बोलता है उस कंपनी वो तो पहले से ब्लैकलिस्ट है, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखिए। मेरे पास जो अपडेट आई थी मैंने आपको दे दी है, बाकी संभावना ये है कि वीजा वगैरह फिर से स्टार्ट तो होगा। आपको पता है ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे दूसरी कंट्री के लोग बैन हो गए वो नहीं जा पा रहे, जा रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया से क्या जो प्लेने जाती है उनका टाइम चेंज होगा या वर्कर कम हो गए, सिस्टम वही है चल रहा है, बस चलने तो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ वैकेंसीज के बारे में भी डालूंगा, लेकिन ये अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ कि वीजा अगर आप लगवाते हैं तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखें साथियों, कि कहीं आपके साथ चीटिंग हो जाए, आपका पैसे भी लग जाए, आपका वीजा भी नहीं लगे। थोड़ा सा गौर कर लीजिए, जिस एजेंट से आप लगवा रहे हैं उनसे थोड़ा सा आप कन्विंस करके आपको लगता है 100% ठीक है तो आप लगवा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई बोलता है तो भैया मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं आपको कंपनी का वीजा चेक करके जो भी आपकी रिक्वायर जो आपका क्वेश्चन होगा उसका समाधान करूंगा। लेकिन आपको पता भाई मैं तो फीस लेता हूँ 500 रुपये, आप फीस अगर इंटरेस्टेड हो देने के लिए कि चलो यार लाख रुपये दे रहे हैं 500 रुपये दे देते हैं, तो भैया मुझसे आप मैं जो भी आपके क्वेश्चन होंगे समाधान कर दूंगा, कंपनी चेक इमिग्रेशन वगैरह जो भी होगा। और आपको लगता है यार नहीं लाख रुपये कोई नहीं एजेंट खा जाए लेकिन 500 रुपये नहीं देंगे, तो भैया फिर आपकी मर्जी है, कॉन्टेक्ट नहीं करें तो ठीक रहेगा। ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो वीजा से रिलेटेड, मेरे पास इंक्वायरी आती है 20-30 मैसेज रोज मलेशिया से आते हैं, लेकिन मैं क्या आंसर दे पाऊंगा भैया, मैं किसी नंबर एजेंट का दे देता हूं, कल को वो मुझे बोलेंगे आपने नंबर दिया था। तो आप अपने स्तर पे देख लीजिए, और वीडियो लाइक अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे पास इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपके भी, अगर आपके पास कोई साथी है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि थोड़ा सा अवेयर हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।